अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. लाइक लेजिटली आफ्टर 8 मंथ्स आई एम सेइंग दिस. मैंने अपना लास्ट व्लॉग यूट्यूब पे डाला था नवंबर में और अभी जो है वो अगस्त चल रहा है. और लिटरली मैं जो है ना, मेरा दिल नहीं करता व्लॉग्स बनाने का, मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता. मैं शॉर्ट्स लगाती हूँ, इंस्टा टिकटॉक पे एक्टिव रहती हूँ, लेकिन यूट्यूब व्लॉगिंग नहीं करती, मेरा दिल नहीं करता. लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों, आफ्टर सो लॉन्ग व्लॉग बनाने का. सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ व्लॉग एंड शॉक द ऑडियंस. तो आज का सीन ये है बेसिकली कि मेरी जो है वो समर वेकेशन ऑन है, बल्कि अब 4-5 दिन ही रह गए हैं ओपन होने में यूनिवर्सिटी को. तो मेरी जो सेकेंड सिस्टर है ना, उसका नाम फाइका है, बट आई कॉल हर चीकू. तो उसका यह है कि उसने अपना घर शिफ्ट किया है, सो हम लोगों ने उधर जाना है, उसका घर देखना है और जो है ना उसे मिलने के लिए. तो मैं, मामा, मेरी दूसरी बहन और जो है लाइक हाला और जो मेरी कज़न तभी, जिसको मैं ब्लॉग में काफ़ी दफ़ा डाल भी चुकी हूँ, सो वी ऑल आर गोइंग ओवर देयर एंड वील गोना डू अ गेट टुगेदर. और हम लोगों ने लाइक यू नो गपशप लगाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो उसके लिए जो है ना आज तैयार होना है. और मुझे जल्दी इन लोगों ने उठा दिया, लिटरली 11 बजे. मैं जबकि इतनी लेट उठती हूँ, मैं लेट भी सोई थी 5 बजे, तो मुझे इन लोगों ने 11 बजे उठा दिया. अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब ये है कि मेकअप शेकअप करेंगे और फिर तैयार होकर ज़रा टिकटॉक्स बनाएंगे और फिर हम लोग जो है वो निकलेंगे. रस्ते में हमने अपनी मतलब अनुपमा को पिक करना है एंड देन वी लाइक यू नो रीच द डेस्टिनेशन. और फिर मैं आपको सारा व्लॉग वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, सब लोग वगैरह. तो जो है अब बस मैं मेकअप कर लूँ, मैं मेकअप दिखाती हूँ, बिकॉज मैंने जो लास्ट अपनी लगाई थी ना गेट रेडी विद मी वीडियो, उस पर कहा था, किसी ने कमेंट किया था कि मुझे मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए. सो मैं उनके लिए जो है ना वो मेकअप ट्यूटोरियल इस व्लॉग में डालूंगी कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ. मेरा मोस्टली मेकअप एक ही होता है, हर जगह मैं एक जैसा मेकअप करती हूँ, सिंपल सा. सो वो मैं दिखाऊंगी, सो दिखाती हूँ. तो अब मैं जो है ना वो अपना मेकअप दिखाने लगी हूँ आप लोगों को, ठीक है. अभी मैं फ़ोन ट्राईपॉड पर सेट करूँगी और जो है फिर उसके बाद मैं मेकअप दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ. एंड जस्ट जल्दी जल्दी से दिखाऊंगी जस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह कि मैं क्या यूज़ करती हूँ. अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं मेकअप ट्यूटोरियल करना चाहती, बिकॉज मैं कि डेली ब्लॉग टाइप बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं फैमिली वगैरह को दिखाऊँ एंड यू नो ऑल दैट स्टफ. तो मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा अपना उस तरह से नहीं दिखाना, बट मैं हल्का आपको जल्दी जल्दी से दिखाऊंगी, बिकॉज जस्ट वो फॉलोवर मुझे हमेशा कमेंट करते हैं कि जो है ना मुझे मेकअप दिखा दे, मेकअप दिखा दे. तो मैं उनके लिए स्पेशल जो है ना बस इस ब्लॉग में डालूँ, क्योंकि पता नहीं मैं अगला ब्लॉग कब बनाऊँ, तो मुझे है कि मैं बस इसमें ही दिखा दूँ थोड़ा थोड़ा सा कि मैं कैसे मेकअप करती हूँ. सबसे पहले जो दो चीज़ें अप्लाई करती हूँ ना मैं, वो ये दो चीज़ें हैं. एक है आपके पास पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर और एक है जेन फार्म का सनब्लॉक. ये दो चीज़ें सबसे पहले फेस पे लगा के ब्लेंड कर देनी है. फर्स्ट मॉइस्चराइजर लगा लो, उसके बाद सनब्लॉक लगा लो, या सनब्लॉक पहले और मॉइस्चराइजर बाद में, इट्स जस्ट द सेम थिंग. अब मैंने जो है ना वो अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है अपनी इस पे मॉइस्चराइजर और उसकी सनब्लॉक की. नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस मिस रोज का कंसीलर. ये बहुत अच्छा है, मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ अपनी कवरेज के लिए. और ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा लगाती हूँ लाइक ऐसे, यू नो, ये बस इस तरह से अपनी स्किन पे ओवरऑल लगा दिया और बस इसको ब्लेंड करना है एंड उसके बस दैट्स इट. मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा यूज़ करने से पहले जो है ना वो डव सोप से साफ करती हूँ और ये वेट है ताकि अच्छे से जो है ना वो आपकी फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड हो जाए. सो इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कंसीलर को. सॉरी, फाउंडेशन तो मैं लगाई नहीं, तो मतलब इसको ब्लेंड कर लूँगी. अब इसके ऊपर ये फिटमी का जो है वो फेस पाउडर यूज़ कर लेना है, जस्ट हल्का हल्का सा, एंड दैट्स इट. फिर हम ब्लश ऑन और बस हाइलाइटर लगा लेंगे. दोनों ब्लश ऑन्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एक ग्लैमरस का है और एक मिस रोज का है, दीज टू. और इनको ब्लेंड कर लो बस कंसीलर लगा के, दैट्स इट. वी जस्ट हैव टू डू लाइक ब्लश ऑन. हाइलाइटर किट है ग्राफिक कलर की, ये इसको मैं एज एन हाइलाइटर लगा लेती हूँ एंड या दैट्स इट. मैंने अपना लाइनर लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने जो आई शेडो दिखाया था ना, वो सॉरी ब्लश ऑन जो मैंने दिखाया था मिस रोज का, वही मैंने आई शेडो पे लगा के और लाइनर लगाया, व्हाइट पेंसिल लगाई है. और ये मिस रोज का कंसीलर सॉरी मस्कारा है जो कि मैं यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छा है. ये ट्राई करना कि वाकई ही बहुत अच्छा है और इसकी लाइक यू नो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये थिकनेस भी है और ये बहुत अच्छे से लग जाता है. एक लिटरली मेकअप हो भी गया, 10 मिनट में मेरा मेकअप हो गया, वो भी मैं वीडियो बना रही थी तो ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज 5 मिनट लगते हैं मेकअप को, पता नहीं लड़कियाँ क्यों इतना टाइम लगाती हैं. ये ब्रिनी का जो है ना, ये एक कलर है बहुत क्यूट सा, पिंक सा, ये मैंने लगाना है. और ये मेडोरा का पिंक कलर शेड में है. ये दो कलर्स को मैं मिक्स करके लगाती हूँ. मेरा मेकअप जो है वो देखो डन हो गया, पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन जो है अच्छा लग रहा है वैसे, पिंकी सा, बिकॉज मेरा ड्रेस पिंक है इसलिए मैंने पिंकी सा मेकअप किया है. एंड अब मैं जो है वो जल्दी से कपड़े चेंज करके फिर दिखाती हूँ मेरी पूरी लुक, ठीक है. ये मामा रेडी हो गए हैं, ये मामा का क्रॉस स्टिच का सूट है और मेरा जो है वो बीच सी का सूट है.
और मैं रेडी हो गए हम लोग. अब हम मैं 2-3 टिकटॉक्स बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जाने के लिए और वहां पे जाके मैं सबसे मिलवाऊंगी, सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. लेकिन अभी जो है वो मेरी लुक देख लो यार, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं. हेलो जी, अब हम जो है ना वो निकलने लगे हैं, बस बिल्कुल रेडी हो गए हैं. अनुपमा को मैंने मैसेज कर दिया कि वी हैव जस्ट लाइक निकलने लगे हम, और अब हम निकल के फिर उसके बाद वहां पे पहुंचेंगे. उफ यार, टिकटॉक्स बनाना कोई आसान काम है मुझे बताओ. मैं पसीने छूट गए मेरे टिकटॉक्स बनाते हुए, और फिर भी आज मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इतनी मतलब मज़े की नहीं बनी है. और ये मम्मा को देखो, ये अब रेडी हो गई है. पहले जरा के फैशनेबल थी, अब दुपट्टा ले लिया. ब्लॉग ये देखो, ये शलवार ठीक करना नहीं तो मोड़ा बोलो ना हाय हेलो. ब्लॉग्स तो बहुत देखती हो. व्लॉग देखना बहुत आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ आपको समझ ही नहीं आता आप क्या बोलो व्लॉग में. मेरी बेटी की हां, सब्सक्राइब करो, मैसेज करना है, सब्सक्राइब करना है, तारीफ करनी है. यस. मैं तो दाश हूं कि बाबा जो है बाबा लाशी लगा कौन है. हेलो नानो आई एम नॉट दादो. हम लोग घर के अंदर एंटर हो गए हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो चल जो का शेफ आई का एंड कंदी. हेलो जी, ओम बोल रहा हूँ. क्या गाना था वैसे? टेनन. हेलो अस्सलाम वालेकुम. ये देखो जरा, वाओ यार. आहिल 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 हेलो. चलो स्नात करो, सलाम करो ना, जो तुम कह रहे थे ब्लॉग. मुझे कहते हैं ब्लॉग बनाना, हमने जाके हाँ ना भाई, मेरे ब्लॉग आज पहली दफा बना रही हूँ. दुनिया जाए बाहर में मेरा ब्लॉग आज. वो दोनों बहनें वहाँ पे मिल रही हैं, मेरे को उनका मिलना ही खत्म हो रहा. ये देखोगे चाइनीज राइस, ये क्या है बर्गर, ये चाइनीज राइस. इधर फुल शोर हो गया, बिकॉज देसी घरों में शोर ना ऐसा हो नहीं सकता. ये देखोगे दो रूम्स हैं, एक ये रूम है. हाँ हेलो, एक ये रूम है इसका. यार कितना प्यारा घर है, वेरी नाइस. ये देखोगे सब कुछ ये ऐसे रखा हुआ है. यार ये तबीर मेरे लिए लेके, ये तबीर मेरे लिए लेके आई है, मार्क जैकॉब का टॉट बैग, एंड इट इज फॉर 2 लाख रुपीज. ये मुझे बाहर से आया, यहाँ से नहीं. ये तबीर मुझे घर दिखा रही है, जिसने इसका घर है. ओ किचन आ गया अब ये. वाओ यार बहुत अच्छा, मैं तो यही शिफ्ट होने वाली हूँ. ओ माय गॉड, ये है, ये क्या है? वो नगेट चिकन. ये फ्राइज हो रही हैं, ये आई थिंक मंचूरियन है. हाँ ज़्यादा. और देखो लग तो मज़ेदार है. ये चाइनीज राइस है, ये चाइनीज राइस है. यही है कूलर. यार पानी दे दे, प्यास का पानी. यार हम लोगों को पानी पीने का बहुत हुआ है, इतनी प्यास लगी है. गिलास नहीं है, अच्छा हम डाल दिए. और यार इधर आओ, आप तो आओ, आपकी बर्थडे, इसकी बर्थडे गुजरी है अभी. और जो है मैं नहीं गई ना, मैंने ब्लॉग बनाया ना, मैं गई तो हमने तो ब्लॉग. इरम काम करो, पानी दो मुझे. ये माशाल्लाह से इस घर की जो है ना बहुत छोटी मालकिन, छोटी मालकिन है, रखवाली. हाय करो इरम, तुम मेरा ब्लॉग देखोगी ना? बस सही है, सूट तो बहुत प्यार लग रहा है. अगला शिकार मेरा इस पे ही है. इसलिए पहना, इसलिए मैंने इसको कहा पहन लो पहनो. यार किचन भी बहुत प्यारा है सब, पूरा घर बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. यार इधर से चेक करो जरा, ये देखो जरा इसका, ये सारा सेक्शन सेक्शन एक उठा के केक उठा के खा लें. ये इसने न्यू माइक्रोवेव लिया, ये केटल मारी थी जो इसने चोरी कर लिया है. ये मेरे पापा हैं, ये फ्रिज है. भाई लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं लोगों में, यही देखते हैं लोग. वाओ न्यू तरह के कैबिनेट्स, अंदर तो कुछ भी नहीं है. दिखाओ ना अच्छा सा कोई दराज. अच्छा अच्छा खोल के दिखाओ कोई कैबिनेट. ये देखो इसका
दिया ही नहीं इसने, वैसे मुझे लगी हुई थी कि मैं दूंगी। तबीर का बैग तो देखो जरा, इसके पास आता है नई कलेक्शन। थैंक यू सो मच। आए हाय, मेरा जो है ना वो अल्लाह करे व्लॉग वैसे अच्छा बन जाए, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ तो मुझे आता नहीं इतना बनाना। लेकिन मुझे भाई मैं कब बनाती हूँ, मैं मिनी माउस बनाती हूँ, मैं व्लॉग्स नहीं बनाती। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन अच्छा बन गया। नहीं उतार के लो मेरे यार, मेरे बालों की तरीके लग रहे हैं ना, हल्के हल्के हल्के। असनाथ कह रहा था मुझे गाड़ी में, कहता है ना तुम गाड़ी से निकल के ना थंबनेल लगाना के न्यू होम टू। आहिल आहिल हैरान हो रहा है, ये क्या ब्लॉग बना रही है। आहिल डांस करके दिखाओ, डांस करो, करो ना डांस। ये सारे बच्चे जो है ना मेरे भांजे हैं, लेकिन ये पागल है। ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाना है। रजब भाई पागल है, रजब भाई, रजब भाई है, मैं पागल हूँ। रजब भाई, रजब भाई है। ये रजब भट्ट का इतना बड़ा फैन है ना, ये हर घर में आके रजब भट्ट करता रहता है। रजब भट्ट अगर ये ब्लॉग का पार्ट देख रहे हैं ना तो मुझे भी कर दो, ये भी रजब भट्ट को भेज, मुझे भी जो है ना वो करो, क्या कहते हैं उसको, शाउट आउट दे दो यार। तुम सबको शाउट आउट देते हो, मुझे भी दे दो। हाला, ये मेरी हाला है, ये तबीर को इसकी दोस्त ने दिया है, अक्सा ने ना। और ये अक्सा देखती भी है मेरे ब्लॉग, सा देखो तुम्हारा उसने लिया हुआ है। और ये इसकी बर्थडे की पिक्चर्स है, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्टी वाइब यार। हाला मेरी गजब इसकी मुंह पे करके गई है, हाला कहती है ना दी हाला है ये, मैं बस ना दी हाला। चलिए कोई बात नहीं, खाना खा लें और पिक्चर्स ले लेते हैं बस। यार घर तो बहुत प्यारा है, मैं फैन हो गई, मुझे भी यही इस घर की गली है यार। घर बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, और मौसम भी प्यारा ना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी बहन माशाल्लाह से डॉक्टर होती तो पता नहीं क्या होता। शेफ फाइका और कंदील लिखवाया हुआ है, ये तुमने लिखा शेफ फाइका एंड कंदील, बेचारे भाई कंदील भाई जाके भी लिखवा देती कंदील लंदन। कंदील भाई मेरा ब्लॉग देखे, कंदील भाई वी मिस यू फ्रॉम आवर हार्ट्स। लेकिन जो है नहीं नहीं क्यों, वो तो लंदन में है बैठे हुए, उनको क्या ट्रांसलेशन हो जाए। कंदील भाई हम आपको याद कर रहे हैं, लेकिन अभी खाएंगे ना, फिर याद करेंगे। आप खाते बहुत ज्यादा खाते बहुत ज्यादा, हम आपकी स्कीम अपनाएंगे। हाँ, हाँ कंदील भाई का ना ये था कि खाओ लेकिन पहले तहे लगाओ, उसके बाद एंड पे कोक ही ले रहा है, ताकि जो है ना वो मतलब इस तरह से जो है ना उनको होता था कि खाना पहले पूरा है फिर उसके बाद कोक की लेयर लगानी है, कि जो है ना मतलब आपका पूरा रज के खाना है। बट जो बट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेटा तुमने मेरा फोटो शूट करना था, तुम्हें अपने फोटो शूट की पड़ गई है। ये चाइनीज राइस है, ये मंचूरियन है, ये बर्गर्स है, ये क्या है, ये ब्रोस्ट एंड कर्ली फ्राइज और नगेट्स, ये है क्या, व्हाट इज दिस, अच्छा कि मंचूरियन ही उसने इसमें डाला है। वेरी मच प्रेजेंट यार, के देखो सारे कैसे देख रहे हैं। लगा लूं, अच्छा अभी खाना खा लें, उसके बाद जो है वो मिलते हैं। हाँ भूख भी लग रही है, हम खाना डाल सकते हैं। हाँ हाँ उतार लिए, मम्मा को पड़ जाती है तस्वीर की, ये लो तीन चम्मच डालना, डालो 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 जल्दी डालो जल्दी, बोटियाँ डाल बोटियाँ, नहीं तुम अपने को डाल दो, खा लो। तो तुमने चाइनीज नहीं खाना, अच्छा खा लो। ये स्पून स्पून ले देते हैं। ये मेरी सेकंड शिफ्ट है और उसकी पहली नहीं खत्म हो रही, मेरी सेकंड है। बहुत मजे का ये लड़की मुझे नजर दिखाने लगी हुई है, खाने दो मुझे, खुद तो तुम्हारे से एक बोटी नहीं मुकरी। दिस इज द होल लुक ऑफ द हाउस, मतलब मैं अपना बाहर आई हूँ कि थोड़ा सा शोर कम हो। ये इसने न्यू सोफ़ाज दिए थे, आई रिमेंबर, न्यू टेबल लिया था, और ये इसने अपने फ्रेम्स लगाए हुए हैं फैमिली के। दिस इज़ द लाइक आउटर किचन पार्ट एंड दैट इज़ द इनर किचन पार्ट जो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ये इसने क्लॉक लगाई हुई है एंड दैट्स इट, बिकॉज इसने अभी अभी अपना लाइक जो घर चेंज किया तो अभी और चीज़ें वो लेकर आएगी, तो मतलब फिर इस वजह से जो है वो अभी हाली हाली है थोड़ा सा, बट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और अब बस जो है ना हमने खाना खाया है, मैंने भर के पेट जो है ना वो खाना खा लिया प्रॉपर, जो है वो मैंने ना ठूस लिया खाना, चाइनीज़ बहुत अच्छा बना हुआ था एंड एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। अब डिज़र्ट में जो है ना वो मैंगो डिलाइट है, और साथ में जो है वो क्या है,
पकौड़ियाँ भी हैं, वो इसको रखना भूल गया माशाल्लाह से, आई लव पकौड़ियाँ, वो भी मैं खाऊंगी। और बस अब हम ना, मैंने तबीर ने पिक्चर्स लेनी है, थोड़ी सी पहले क्लिक की है कि वो मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी, मैंने वीडियो बनवानी है, तो वो जो है ना अब तबीर से बनाने जा रहे हैं। तबीर शॉक्ड है कि मैं इतना ज़्यादा व्लॉग कैसे बना रही हूँ, है ना, बिकॉज मैं नहीं बनाती व्लॉगिंग इतनी। बाय बाय, हेलो करो, हेलो सारे, आप ही करो ना, इतने अच्छे हैं वो बात मार रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। ये हम लोग बाहर आए हैं पिक्चर्स लेने के लिए, सारी ये देखो बाहर, तुम पिक्चर पिक्चर्स ले लेते हैं, चल ये सारा इधर फोटो शूट हो गया, अनु आपा सब ने भरपूर फोटो शूट ले लिया, हमने फुल पिक्चर्स ले लिया, अब हम इतना थक गए हैं, ये देखो जरा इसको, चूहे बहुत पिक्चर्स हो गए, चलो हटो, मेरी ना वीडियो पर बहुत पिक्चर्स ले लिया, अब हम अंदर जा रहे हैं मीठा खाने, मैंगो डिलाइट, वाओ ब्यूटीफुल, ये मैंगो डिलाइट है, मैंगो डिलाइट वाली, शोर देखो इनका, शोर देखो इनका, सबसे पहले तुमने लिया, तो खा के इधर आके बताओ ना कैसा है, फौरन एक बाइट लो, बताओ कैसा है, ओ बंदा तारीफ ही कर देता है, हाल है तो हाला कैसा है, हाला ने एक बाइट लिया और इतनी तारीफ ठोक दी है, कैसा है आहिल, कैसा है, चलो जाओ अब, हाला जा रही है, तबीर भी जा रही है, हाला का मुंह नहीं हो रहा, बस इधर मुंह बदली मुकड़ी इनकी, बस हमेशा बहने माए दूसरों की अच्छी लगती है, अच्छा जी भी दूसरों की, ओके, अब ये लोग जा रहे हैं, कितना प्यारा मौसम है यार बाहर, रोटी खुल गई है, बहुत प्यारा मौसम है, हाला की सवारी आ रही है, हाला रिक्शे पे आ रही है, हाला को पता नहीं उबर क्यों सेफ नहीं लगती, जाओ अपने अपनी सवारी पे, ये भी करना, हाँ बैठा दिया, ये भी कर ले, बाय बाय, अब बंद कर दिया ये लोग, अब ये लोग जा रहे हैं, अब जो है वो सब चले गए हैं, और जो है सिर्फ मामा मैं और अनुआ पर जो है वो यहाँ पे हैं, हम लोगों ने रात रहना है, तो जो है बहुत थकावट हो गई थी, अब बस जो है ना वो कपड़े चेंज किए हैं, नहाया है, तो अब बस बातें करेंगे रात को, तो व्लॉग में यहीं पे एंड करने लगी हूँ, अभी मैं पानी पीने आई हूँ, बहुत प्यास लग रही है, तो मैंने कहा पानी पी लेते हैं, पता नहीं किसी के घर आके प्यास क्यों ज़्यादा लगती है, लेकिन यह है कि पानी नहीं डल रहा माशाल्लाह से, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड द व्लॉग हेयर, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जो है वो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इसको ज़्यादा व्यूज़ दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ और देखनी है, और शॉर्ट्स में लगाती रहूँगी डेली इंशाल्लाह, लेकिन व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, बाय बाय।